वेलकम बैक टू माई चैनल शेयर विद केयर। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हनी के साथ एक स्किन केयर जो मैं अक्सर करती हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मेरा ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन में तो हनी बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं जब भी कोई स्किन केयर करती हूँ DIY होममेड, तो मैं उसमें हनी ऐड करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि हनी मेरे स्किन में अच्छी तरह से सूट करता है और ये ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है। आप कोई भी अगर होममेड कोई भी कुछ करें तो आप उसमें थोड़ा सा हनी यूज़ कर ही सकते हैं। हनी यूज़ करने से क्या होता है, ड्राई स्किन का प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से सॉल्व होता ही और स्किन में अच्छे से ग्लो भी लाता है ये हनी। तो मैं आज हनी के साथ ही आपको एक पैक बताऊंगी, स्किन केयर रेमेडी बताऊंगी जो मैं ड्राई स्किन के लिए यूज़ करती हूँ अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके लिए हमें लगेगा ये हनी सबसे पहले, फिर लगेगा एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल ले लिया है। ये एलोवेरा जेल इतना अच्छा है कि आप इसे ऐसे ही लगा लो तो स्किन में अच्छे से ग्लो आ जाएगा और ये सब स्किन के लिए अच्छा है। मेरा ड्राई स्किन है फिर भी मैं ये एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ ईजिली ऑल सीज़न में, तो बहुत अच्छा ग्लो आता है और रूखा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये एक यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल, और यूज़ कर रही हूँ ये वाला ऑलिव ऑयल। ये सब कुछ ही टोटली मेरे ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो चलिए इसे किसे कैसे बनाते हैं मैं वही आपको आज बताती हूँ। तो सबसे पहले आप ले लीजिए हनी, यहाँ पे हनी ले लीजिए, आप ये हनी ले लीजिए। इतना ही ले लीजिए बस। फिर ले लीजिए एलोवेरा जेल, ये एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। तो बस थोड़ा सा ही लेती हूँ मैं, बस इतना सा एलोवेरा जेल लेती हूँ। पहले एलोवेरा जेल और हनी को अच्छे से मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इसे मैं देखिए, जैसे मैंने इसे मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद अभी चम्मच से मैं इसे जितना है ले रही हूँ अपने प्लम में, ऐसे मैंने ले लिया। अभी इसे अपने फिंगर टिप्स की मदद से अच्छे से इसे वार्म कर दूँगी। वार्म करने के बाद जैसे क्रीम लगाते हैं बस वैसे ही लगाना है आपको, डैप डैप मोशन में। मैंने एक तरफ लगा दिया है, देखिए कितना अच्छा ग्लो आ रहा है लगाते ही। इसमें हनी, ऑलिव ऑयल और एलोवेरा जेल है। इसे सर्कुलेशन मोड में आप ऐसे ही इसे हल्के से मसाज करें अपने स्किन में। तो देखिए लगाते ही ये स्किन में इतना हाइड्रेट हो गया है। देखिए मैं पास आके दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितना हाइड्रेट हो गया है, जैसे मैंने कोई सीरम लगाया है ऐसा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है मैंने कोई ऐसा DIY कुछ लगाया, देखिए लगता है कोई कि मैंने सीरम लगाया हुआ है। इससे आँखों पे भी आप लगा सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाला पैक आप लगा के आप बात भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रैक नहीं करेगा और बहुत हाइड्रेटेड है इसीलिए ये क्रैक भी नहीं करेगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, स्किन इंस्टेंट ग्लो कर रहा है और हाइड्रेट भी हो गया है। देखिए कितना ग्लो कर रहा है, वाओ। इसमें एक काम कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले जो मैंने यूज़ किया है वो सब यूज़ करें, वो लोग ऑयली स्किन वाले नींबू थोड़ा सा निचोड़ के दे दें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा ड्राई स्किन है, मैं लेमन नहीं यूज़ कर रही हूँ। उससे क्या होता है, जो भी मेरा ऑयलीनेस है वो इतना नहीं रहेगा,
फैट कटर हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ऑयल कटर हो जाएगा, सॉरी ऑयल कट हो जाएगा उसका, तो मुझे ऑयल ही चाहिए क्योंकि मेरा ड्राई स्किन है। जिनको ऑयल स्किन है वो नींबू थोड़ा सा दे सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा मेरे स्किन पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, तो इसे आप ऐसे ही लगा के 10 मिनट तक वेट कीजिए। वेट करने के बाद आप इसे जैसे धोना है आप धो सकते हैं। तो मैं 10 मिनट के लिए अभी वेट कर रही हूँ, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, 10 मिनट हो गए हैं और मेरा जो पैक मैंने लगाया है वो टोटली सूख गया है। और सूखने के बाद भी देखिए कितना अच्छा ग्लो चेहरे पे है अभी भी। तो अभी सूख जाने, जब ये सूख गया है तो मैं मुंह धो के अभी आती हूँ। देखिए मैं बात बोली हूँ लेकिन कोई भी क्रैक्स या कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा स्किन टोटल एकदम स्ट्रेच हो के है और कोई भी क्रैक नहीं हुआ है। तो ये पैक लगा के आप बात भी बोल सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। तो सूख गया है, अभी मैं इसे धो के आती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने आप फेस क्लीन कर दिया है, तो अभी मैं इसे पैड ड्राई कर रही हूँ एक टॉवल की मदद से। तो ज़्यादा घिस के कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टली आप अपने फेस को क्लीन करें टॉवल से, ड्राई भी करें, ड्राई कर लीजिए। अब ड्राई करने के बाद टॉवल से देखिए मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है। पहले कितना टैन था और कालापन था, एक रूखापन था, अभी देखिए कितना ग्लोई लग रहा है फेस और हाइड्रेट लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि मेरा कहीं से भी स्किन कहीं से भी बहुत डल है, ड्राई है, पूरा प्लम्पी फेस लग रहा है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मेरा फेस ड्राई है। कितना अच्छा साफ भी हो गया है स्किन और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ग्लो लग रहा है। तो मैं ये हफ्ते में 2 बार तो करती हूँ क्योंकि मेरा बहुत ड्राई स्किन है। तो ड्राई स्किन में अगर मैं ये सब रेमेडी ना करूँ ना तो मेरा तो बहुत ड्राई हो जाता है स्किन, क्योंकि आर्टिफिशियल बाहर का फेस वॉश ये वॉश यूज़ करके भी कुछ नहीं होता है विंटर की सीज़न में, और ड्राई स्किन में और भी ड्राई लगने लगता है। कुछ DIY अगर आप करें ऐसे घर पे तो देखिए ईजिली कितना अच्छे से क्लीन भी हो गया है, मैं फेस क्लीन भी हो जाता है और हाइड्रेट भी लग रहा है और ड्राई स्किन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी फेस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपना क्लीन कर दिया फेस, उसे ड्राई करने के बाद अभी मैं देख रही हूँ कि कितना अच्छा क्लीन होके फेस प्लम्पी लग रहा है और हाइड्रेटेड भी लग रहा है, कहीं से भी लग नहीं रहा कि मेरा स्किन ड्राई है। तो आपको अगर मेरा ये स्किन रेमेडी अच्छा लगा और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम में और फेसबुक पेज में भी फॉलो कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।